शुभ संध्या। आज दिन फ्राइडे शाम के 8 बज चुके हैं। आईपीसी की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी लाइव उपस्थित लोगों की संख्या बिल्कुल नहीं दिख रही है। आप ऑनलाइन आ जाएं और मेरी वॉइस आप सबको प्रॉपर मिल रही है मुझे बता दें। Am I audible? Okay, thank you, Kostum. उम्मीद करता हूँ अभी तक जितना भी पार्ट आपके साथ डिस्कशन हुआ, जो भी चीजें आपने पढ़ी, उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इन सबको प्रॉपर वे में रिवाइज किया होगा तो यकीन जानिए कि ऐसा कुछ नहीं है जो आईपीसी में अब डरने की जरूरत है। एक चीज का विशेष ख्याल रखिएगा, मैंने आप सबसे शुरू में भी ये बात कही थी, आपने बेयर एक्ट से जितने भी इलस्ट्रेशन जिस किसी सेक्शन में दिए गए हैं उन इलस्ट्रेशंस को जरूर देखिएगा और हो सके तो कम से कम 4-5 बार उन इलस्ट्रेशंस को निगाह से गुजार लीजिएगा। देखिए इसका फायदा क्या है ये भी आप समझ लें। इसका फायदा ये है, सबसे पहली बात तो है कि जब आप अपने मेंस के आंसर को आप डिस्क्राइब कर रहे होंगे उस समय आपका ये इलस्ट्रेशन आपके आंसर को बहुत बहुत प्रोमिनेंट बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, पहली और खास बात ये। दूसरी बात ये कि जब प्रॉब्लम बेस आपसे सवाल पूछे जाते हैं, अभी मैं ऑब्जेक्टिव की ही बात कर रहा हूँ, एमसीक्यू की ही बात कर रहा हूँ, जब प्रॉब्लम बेस आपसे सवाल पूछे जाते हैं उस समय आप एकदम कॉन्फिडेंट होंगे अपने आंसर को देने के लिए, आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन या डायलमा की कंडीशन नहीं होगी। तो ये तो पीटी में आपको जो हेल्प हुई वो हुई। मेंस में जब आप आंसर लिख रहे हैं तो मैंने अभी आपसे कहा कि आप हर एक जगह अपने इलस्ट्रेशन को, दृष्टांत को आप दे सकते हैं। और जब आपसे प्रॉब्लम बेस क्वेश्चन पूछा जाए, प्रॉब्लम बेस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे प्रॉब्लम सिर्फ दे दी गई कि हाँ यहाँ कौन सा अपराध हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा भी याद रहा, ख्याल रहा, तो आप बहुत अच्छे से अपने आंसर को डिलीवर कर सकते हैं और साथ में बता सकते हैं कि यह ये प्रॉब्लम, ये समस्या जो है वो फला सेक्शन के इलस्ट्रेशन के पर बेस्ड है। तो ये जब आपको याद रहेगा तो आप अपने आंसर को मोर स्ट्रॉन्गर और मोर कॉन्फिडेंट होते हुए चीजों को, नंबरों को अच्छे से चुरा सकेंगे। आज जो आपके साथ स्टार्ट करना था तो ये तो आप बहुत ख्याल रखें और मैं समझता हूं हर एक संडे का दिन आप इसके लिए फिक्स कर लें संडे को। और सिर्फ आईपीसी की ही बात नहीं है, ये भी ध्यान रखें जितने भी इलस्ट्रेशन आपके एविडेंस में है, जितने भी इलस्ट्रेशन आपके सीआरपीसी में हैं और जितने भी इलस्ट्रेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आईपीसी तो है ही है, ये 4 एक्ट ऐसे हैं जिसमें इलस्ट्रेशन काफी सारे दिए हैं और अगर आपने इन इलस्ट्रेशंस को, इन दृष्टांतों को आपने ढंग से अच्छे से पढ़ लिया तो यकीन जानिए आप चाहे वो पीटी हो चाहे मेन्स हो, आप अपनी स्थिति कहीं और ही महसूस करेंगे। चलिए आज जो आपके साथ चीजें कंटिन्यू करनी थी वो लगभग आपका, मैंने आपसे कहा था कि जो मर्डर वाला पार्ट है उसको पूरा देख लीजिएगा, उसमें कुछ ऐसा सवाल जवाब है। कौस्तुभ बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपके प्रयास को, बाकी ओझा सर ने भी बहुत मेहनत की और आप सब ऐसी जल्दी जल्दी खुशखबरियां जो हैं वो आप सबको भी आप सब सुनाएं और पता चले कि हाँ आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो सेलेक्ट हुए इस जगह। तो एक टीचर के लिए तो सबसे अच्छी बात यही होती है। तो मेरी तरफ से ओझा सर को बधाई दीजिएगा और आपको भी कौस्तुभ बहुत बधाई, आप सभी जितने हैं आप प्रेरणा का स्रोत उसे माने, ठीक है, और एक दूसरे को देख के समझ के मेहनत करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, जो आपका जो वो पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया जिसको आप मर्डर, कल्पेबल होमोसाइट
या किसी भी तरीके से डेथ कॉज हो रही है, उस पोर्शन को मैंने लास्ट टाइम पे आपके साथ पूरा किया। आपसे कहा भी था कि अगर कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछिएगा। आज आपके साथ जो चीजें स्टार्ट करनी है वो अब ये है तो अपराध शरीर के प्रति, लेकिन ये अपराध मृत्यु या उनसे छोटी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसी क्रम में सबसे पहली जो डेफिनेशन हमारी आती है वो सेक्शन 319 उपहति या सिंपल भाषा में हर्ट आती है, ठीक है। अब इस हर्ट में, इसका बहुत जगह आपने अभी तक नाम सुना होगा, इसकी डेफिनेशन किस सेक्शन में है, इसकी डेफिनेशन किस सेक्शन में है, ये आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। 319 हर्ट, 320, 321, 322, 323, ये पूरा का पूरा क्रम है, ठीक है। हर्ट, उपहति, घोर उपहति, स्वेच्छा उपहति और स्वेच्छा घोर उपहति, ये चारों एक क्रम में है। उसके बाद फिर इसकी पनिशमेंट का क्रम शुरू होता है, ठीक है। तो खूब ये पूछा जाता है किस सेक्शन में है। चलिए, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य कारित करता है, ये कहा जाता है कि वो उपहति करता है, ठीक है। दो तीन वर्ड यहां हैं। पहली बात तो शारीरिक पीड़ा से मतलब है, शारीरिक पीड़ा, अगर किसी को थप्पड़ मार दिया जाए, ठीक है, तो अचानक से तीव्र पीड़ा होती है, ठीक है, तो यहां जो कार्य किया गया वो उपहति है। इसी तरह से रोग, रोग का मतलब यह है कि कोई ऐसे संक्रामक रोग जो फैलते हैं और फैलने के बाद वो व्यक्ति थोड़े से इलाज के बाद उस संक्रामक रोग से ठीक हो सकता है, तो ऐसे रोग जो हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और तीसरा जो है वो अंग शैथिल, अंग शैथिल का मतलब है कि शारीरिक पीड़ा जो है वो इस प्रकार की हो कि व्यक्ति अपने सामान्य कार्य जो है वो संपादित ना कर सके। जैसे अगर किसी के हाथ को मोड़ दिया गया तो मोड़ने के कारण उसे पीड़ा भी होगी और हो सकता है थोड़ी देर वो अपना जो सामान्य स्वरूप है उस कार्य को ना कर सके, ठीक है। तो रोग, अंग शैथिल्य और पीड़ा, ये तीन कैटेगरी जो है वो आपकी सिंपल हर्ट या सामान्य उपहति में, साधारण उपहति में आती है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सेक्शन 320 धारा 320, ये घोर उपहति की परिभाषा को डिफाइन करता है। घोर उपहति यानी ग्रेवियस हर्ट, ग्रेवियस हर्ट जो है उसको 8 अलग अलग कंडीशंस में डिफाइन किया गया है, ठीक है। और जब जब इन चरणों पे बात होती है, जब ये कंडीशंस अराइव होती है, उस कंडीशन में ये माना जाता है कि ये जो कार्य किया गया है वो घोर उपहति ग्रेवियस हर्ट का कार्य किया गया है। कौन कौन से इसमें कार्य हैं? सबसे पहला जो है वो इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन मतलब पुंसत्व हरण। पुंसत्व हरण का मतलब ये है, सीधे सिंपल भाषा में हम जाने तो ये है कि अगर किसी पुरुष के कोई ऐसा आघात कर दिया जाए, कोई ऐसी चोट पहुंचा दी जाए जिससे कि उसका पुरुषार्थ जो है वो अब उस अवस्था में, जिस अवस्था में था वो उस अवस्था में ना रहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का परमानेंटली, मतलब उसका नेत्र विकार हो जाए, ठीक है, परमानेंटली प्रोविजंस टू आई, टू द साइट ऑफ आईज, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति की आंखों की रोशनी, दोनों में से किसी आंख की रोशनी परमानेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो श्रवण शक्ति, कानों के बारे में बात है, दोनों में से किसी कान के सुनने की शक्ति स्थायी रूप से प्रभावी हो जाए। फिर नेक्स्ट किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, अंग यानी जो हमारी ज्वाइंट्स हैं, ठीक है, इन ज्वाइंट में कोई ऐसा
पेन हो जाए, जिसको हम फ्रैक्चर कहें, या कोई ऐसी चीज ज्वाइंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, डिसलोकेट हो जाए, जिसके कारण वो प्रॉपरली जैसे पहले की कंडीशन थी वैसी कंडीशन में ना रहे। फिर नेक्स्ट जो है वो सिर या चेहरे का विद्रूपीकरण, ठीक है, और नेक्स्ट अस्थि या दांत का, ठीक है, कोई ऐसी अस्थि का फ्रैक्चर कर देना, या कोई दांत जो है, टूथ जो है वो टूट जाए वो, और लास्ट जो है वो कोई ऐसी उपहति कारित करना, कोई ऐसा ऐसा उसे पीड़ा देना जो लगातार 20 दिनों तक व्यक्ति अपने सारे अपने नॉर्मल रूटीन वर्क जो है उन नॉर्मल रूटीन को उस चोट उस उपहति के कारण करने में असमर्थ हो। तो ऐसी अवस्था को, इन सारी अवस्थाओं को ये कहा जाएगा कि व्यक्ति ने घोर उपहति ग्रेवियस हर्ट की है। कौन कौन सी चीजें हैं आप एक बार फिर से दिमाग में अच्छे से बैठा लें, क्योंकि शॉर्ट नोट में ये आंसर मिल जाता है, ठीक है, ये पॉइंट जो है वो शॉर्ट नोट में मिल जाता है, और कभी कभी किसी बड़े क्वेश्चन के साथ इसे टेल की तरह जोड़ के आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसके जो 8 स्टेजेस हैं उन स्टेजेस को जरूर आप मेमोराइज कर लें। अब कोई ऐसी स्थिति है, जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए, एक सवाल पूछा जाता है, फीमेल के साथ रेप की जो कंडीशन है वो तो है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा मान लीजिए ऐसी स्थिति बन जाए कि किसी पुरुष के साथ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्शन 377, आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे रेप की जो कंडीशन है, इसी कंडीशन को जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, अगर कुछ महिलाएं जो हैं वो मिलके किसी पुरुष के साथ बलपूर्वक फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश करती हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी आईपीसी में क्या कोई ऐसा पनिशमेंट है रेप के लिए? मेल जो है एक या एक से ज्यादा कोई भी है अगर फीमेल के साथ ऐसे कृत्य को करते हैं तो वो रेप का हमारे पास एस्टेब्लिश पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, पूरा सेक्शन दिया हुआ है, लेकिन इसी पोजीशन को अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें हम पनिशमेंट को हम फॉलो कर सकते हैं? एनीवन कोई बताना चाहेगा? एनीवन, किसी के दिमाग में कोई ऐसा सेक्शन है, कोई ऐसा क्लॉज है जिसमें हम इस चीज को जस्टिफाई कर सके? नहीं, यहां मेजर है, आप माइनर की बात ही ना करें, पॉस्को एक्ट के लिए हम नहीं आ रहे हैं। थिंक अबाउट, सोचिए, प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, आई होप सबको ये बात क्लियर होगी। ऐसी प्रॉब्लम के साथ हमारी आईपीसी में क्या सलूशन है? सोचिए, विचार करिए, इसका जवाब मैं कल आपको दूंगा, ठीक है, तब तक आप थोड़ा सा मंथन कर लें। अगर आपके पास कोई जवाब है कोई सीनियर या कहीं से भी, तो आप इसे सोचें। असॉल्ट नहीं, असॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। आई एम सेइंग दैट एक महिला या एक से अधिक दो महिला किसी 18 साल या 20 साल के नवयुवक या युवक के साथ फोर्सफुली, उसकी विल नहीं है, कंसेंट नहीं है, या कैसे भी कंसेंट और विल किसी भी तरह से धोखे से प्रवंचना से कैसे भी एस्टेब्लिश कर लिया और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो कार्यक्रम है वो किया, तो इस कंडीशन में सेम वही जो रेप की जो कंडीशन है सेम, बस खाली बस वो जेंडर जो है वो फेमिनिन की जगह मैस्कुलिन हो गया है, सिर्फ इतना अंतर है, ठीक है, इस कंडीशन में आईपीसी में क्या प्रोविजन है? थिंक अबाउट, सोचिए, इसका आंसर आपको कल दूंगा ताकि आप थोड़ी देर अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ा सकें। तो ये सारी चीजें जो थी वो हमारे सेक्शन 377
19 और सेक्शन 320 के बारे में बात हुई, ठीक है। उपहति सिंपल हर्ट की डेफिनेशन को बताता है, ठीक। और घोर उपहति ग्रेवियस हर्ट, ग्रेवियस हर्ट उन 8 कंडीशंस के बारे में बात करता है जब कोई उपहति यानी हर्ट जो है उसकी उसका नेचर जो है वो ऐसा हो गया है कि इन 8 कंडीशन को फॉलो अप करता है, ठीक है। और इन 8 कंडीशन को फॉलो अप करने पर वो फिर घोर उपहति में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो इसमें सेक्शन है आप बेयर उठा के देखिएगा, इन बेयर्स में जो इसके इसके पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, फिर स्वेच्छा उपहति, फिर स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना उनके बारे में बताया गया है, फिर खतरनाक आयुधों के साथ स्वेच्छा उपहति कारित करना, फिर खतरनाक आयुधों के साथ स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। तो इसके एक इसकी जो पनिशमेंट है इसके पनिशमेंट की डिग्री को एक एक डिग्री खाली बढ़ाया गया है, आप इसको पढ़िएगा। हालांकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट के अमाउंट को रेदरली ग्रेटर किया गया है, ठीक है। और दूसरा जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट ये है कि ये बेलेबल से नॉन बेलेबल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ ये इतना अंतर है, ठीक है, बेलेबल है नॉन बेलेबल है, एक जगह कॉग्निजेंस है दूसरी जगह नॉन कॉग्निजेंस में ट्रांसफर हो जाता है, यानी अमाउंट जो है ऑफेंसेस के अमाउंट जो है उनमें रेदरली आप थोड़ा सा इनहेरेंस कर दिया जाता है, बाकी और कोई ऐसा विशेष डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो कैपिटल जो उसका जो पनिशमेंट है पनिशमेंट का अमाउंट जो है वो रेदरली जो है वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता है। पढ़िएगा अगर आपको यहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हो तो स्वागत है, कल आप इस बारे में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं सेक्शन 339, सेक्शन 339, सेक्शन 339 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष अवरोध। सदोष अवरोध जो है वो सिंपल सी लैंग्वेज में ये आप जान लीजिए कि जब किसी व्यक्ति को जो किसी मार्ग पर या किसी दिशा में जाने का अधिकारी है उसे उस दिशा पे या उस ओर जाने से रोक दिया जाए तो ऐसा रोक दिया जाना सदोष अवरोध या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाता है, ठीक है। अब एक व्यक्ति जो है वो एक मार्ग से घोड़े पर सवार होके जा रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम को समझिएगा। एक व्यक्ति एक मार्ग से घोड़े पर सवार होके जा रहा है, मार्ग में कुछ व्यक्तियों ने कुछ अवरोध उत्पन्न कर दिया है जिसके कारण वह व्यक्ति अब उस रास्ते पे आगे नहीं जा सकता। यहां जिन व्यक्तियों ने अवरोध कारित किया है ऐसे व्यक्तियों ने सदोष अवरोध का अपराध, रॉन्गफुल रेस्टेंट, सॉरी, यस 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 यस, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, रॉन्गफुल रेस्टेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो वो फिर नेक्स्ट सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसे व्यक्तियों ने जो किसी व्यक्ति को किसी दिशा में आगे जाने से रोकते हैं रॉन्गफुल रेस्टेंट या सदोष अवरोध का अपराध कारित करते हैं। यहां आपसे एक सवाल ये पूछना था कि अगर ए और बी एक रास्ते में कुछ गड्ढे खोद देते हैं, कुछ सामान फैला देते हैं और जेड अपने घोड़े पे बैठ के उस रास्ते से जाना चाहता है लेकिन ये अवरोध होने के कारण जेड घोड़े सहित यानी घोड़े पे बैठे बैठे उस दिशा में आगे नहीं जा सकता। अगर वो घोड़े से उतर जाए और पैदल जाना चाहे तो वो जा सकता है लेकिन घोड़े से उस दिशा में आगे नहीं जा सकता, तो क्या ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी सदोष अवरोध का अपराध होगा? प्रॉब्लम को फिर से सुन लीजिए। ए और बी एक मार्ग पर कुछ अवरोध कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण जेड अपने घोड़े या अपनी कार जो भी आप चाहे समझ लें,
अपनी कार से उस रास्ते पे आगे नहीं जा सकता। हाँ, कार से या घोड़े से उतर के पैदल जाना चाहे तो वो जा सकता है। तो यहां क्या सदोष अवरोध का अपराध होगा? देखिए, ये प्रश्न जो है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी मार्ग पर, किसी रास्ते पे आगे जाने का प्रयास कर रहा है जहां जाना उसका अधिकार है, ठीक है, उस रास्ते पर जाना उसका अधिकार है, तो अगर उस व्यक्ति को जिस साधन से वो है उस साधन समेत अगर उस रास्ते पे आगे जाने से उसे रोका जा रहा है, ठीक है, और पैदल वो जा सकता है उस रास्ते पे, लेकिन साधन के साथ, घोड़ा या गाड़ी के साथ वो उस रास्ते पे नहीं जा सकता, तो यहां रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का अपराध नहीं होगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वह व्यक्ति उस दिशा में पैदल जा सकता है, उसे पूर्णता अवरोधित नहीं किया गया है, ठीक है, फुल्ली रिस्ट्रेंट नहीं किया गया है कि वो उस रास्ते पे अब जा ही नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, अगर वो चाहे तो अपने गाड़ी को या अपने घोड़े को वहां रोक दे और वो पैदल जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हालांकि इस मामले पे लाहौर हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट का दोनों का कंट्राडिक्टरी इस पे डिसीजन है, लेकिन जो सामान्य चीज निकल के आती है वो ये आती है कि अगर एक व्यक्ति उस रास्ते पर आगे अपने साधन द्वारा, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो घोड़ा हो या कोई भी अन्य साधन हो, अगर उसके द्वारा उस पे बैठे बैठे वो नहीं जा सकता और अगर उस साधन से उतर के उस रास्ते पे आगे बढ़ सकता है, तो ये माना जाएगा कि ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो है वो नहीं है। ठीक है, अब इसके तुरंत बाद जो हमारी नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन है सेक्शन 340, धारा 340। ये भी अपने आप में थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमसीक्यू में खूब सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इस बार सही हूं मैं, सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा के बाहर जाने से रोक दिया जाए, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति ने, जिसने उसे रोका है, कहा जाएगा कि उसने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया है। ठीक है, सदोष अवरोध का अपराध किया है। देखिए, मैं आपको एक कमरे में बैठा के बाहर से कुंडी लगा देता हूं, ठीक है, और उस कमरे में कोई अन्य आने जाने का रास्ता नहीं है, तो ऐसी स्थिति पे ये जो कमरे में बैठा के बाहर से कुंडी लगा दी गई, ऐसा कार्य जो होगा जो मैंने किया है, तो यह कार्य जो होगा वो सदोष परिरोध का अपराध होगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध होगा। कन्फाइनमेंट मतलब बंद कर देना। ठीक है, अब ये कन्फाइनमेंट जो है वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी तरीके से होता है। जरूरी नहीं कि मैं आपको अंदर बैठा के दरवाजे में कुंडी ही बंद करूं, आपको कमरे के अंदर बैठा के बाहर एक गनमैन को बैठा दूं, एक बंदूकधारी को बैठा दूं, और ये कहूं कि अगर ये व्यक्ति बाहर निकले तो इन्हें गोली मार दिया जाए, तो ये भी अपने आप में कन्फाइनमेंट होगा। ठीक है, या घर के बाहर, कमरे के बाहर एक हिंसक कुत्ते को बांध दिया जाए जिससे कि आप बाहर ना निकल सकें, यह भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा। ठीक है, सवाल जो आता है वो ये आता है कि अगर आप कमरे में सो रहे थे, और सोते हुए मैंने वो दरवाजा आपका बंद कर दिया, आप जिस कमरे में सो रहे थे उस कमरे के दरवाजे को मैंने बंद कर दिया, और बंद करने के बाद एक घंटे के बाद, अभी आप सो ही रहे हैं, आपकी नींद खुली नहीं है, एक घंटे के बाद मैंने वापस आके कुंडी खोल दिया, दरवाजा खोल दिया, तो ऐसी स्थिति पे क्या कोई अपराध होगा? अगर होगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप अपने कमरे में सो रहे थे, मैं आया और आपके कमरे के दरवाजे को मैंने लॉक कर दिया, ताला लगा दिया,
एक घंटे के बाद, अभी आप सो ही रहे हैं, आप जागे नहीं हैं, उस कंडीशन में मैंने आपके कमरे का दरवाजा पुनः खोल दिया, आपको, आप अभी सो ही रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाई है, तो ऐसे स्थिति पे क्या होगा, कौन सा अपराध होगा? क्या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध होगा? और कोई? आवाज आपके बहुत, सॉरी, आप आंसर आपके बहुत धीमे आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही, देखिए ये बात ध्यान रखिएगा जी, आप सभी के आंसर सही है, कोई अपराध नहीं होगा। दिनेश आंसर सही नहीं है, कोई अपराध नहीं होगा। देखिए इसकी पीछे वजह जो है वो ये है कि ये अपराध जो हैं वो मन को प्रभावित करने वाले अपराध नहीं है, ध्यान रखिएगा, मन को प्रभावित करने वाले अपराध नहीं है, ये शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध हैं। अभी आप सो रहे थे, आपको ज्ञान भी नहीं हुआ कि मैंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और आप किसी तरह की रिस्ट्रेंट या आप कन्फाइनमेंट में थे, ठीक है, आपको इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ। तो उस दशा में जब आपको ज्ञान ही नहीं हुआ, जब आपको एहसास ही नहीं हुआ, तो उस दशा में, उस कंडीशन में आपकी आपकी जानकारी में ही नहीं आया, तो कोई अपराध नहीं हुआ। इसी तरह से एक एक प्रॉब्लम हम और आपसे पूछना चाहेंगे कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने आपको एक कमरे में बंद कर दिया, ठीक है, एक व्यक्ति ने, ए नाम के एक व्यक्ति ने आपको एक कमरे में बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन उस कमरे में एक दूसरा दरवाजा है, ठीक है, उस कमरे में एक दूसरा दरवाजा भी है, उस दरवाजे को आप थोड़ा सा प्रयास करके, थोड़ा सा पुश करके आप उसे खोल सकते थे और उसे बाहर जा सकते थे। ऐसी स्थिति पे आपको उस कमरे में बंद कर दिया गया और आपने कोई प्रयास नहीं किया उस दरवाजे को खोलने का और आप उस कमरे में बंद रहे, अवरोधित रहे, तो यहां क्या कोई अपराध हुआ है? एमपी में ये सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल रिपीट कर रहा हूं, क्या वहां कोई अपराध हुआ है? मैं प्रॉब्लम फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको एक कमरे में ले जाके, मैं आपको एक कमरे में ले जाता हूं और कमरे में अंदर करके मैं बाहर से दरवाजे में कुंडी लगा देता हूं, उस कमरे में एक दरवाजा और है, उस दरवाजे को जरा सा आप प्रयास करते, ठीक है, जरा सा आप प्रयास करते तो वो दरवाजा खुल जाता, लेकिन आपने कोई प्रयास नहीं किया और 4 घंटे तक वहीं आप कन्फाइन रहे, देखिए एमपी के जो सवाल होते हैं वो अपने आप में बड़े वीआईपी होते हैं, आप सब ने अगर प्रॉब्लम सेट को उठा के देखा होगा तो एमपी के सवाल ऐसे ही यूनिक होते हैं जिसपे आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ जो आंसर होगा वो यस होगा, ठीक है, यहाँ यस होगा, कन्फाइनमेंट होगा, क्योंकि भले आपने खोलने का प्रयास किया या नहीं किया डजेंट मैटर, ये कोई बात नहीं है, मैंने आपको कमरे में, ऐसे कमरे में बंद कर दिया जिसमें निकासी का अब कोई रास्ता तुरंत उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ऐसे कहने को तो हम दीवार तोड़ के जा सकते थे, हम छत फोड़ के जा सकते थे, ऐसे तो बहुत सारे चीजें हो सकती थी, लेकिन हो सकने की बात नहीं है, जो आपको चारों दिशाओं से बंद कर दिया गया ताकि आप उस परिसीमा, उस परिक्षेत्र से बाहर जा ही ना सकें, तो ऐसी दशा में अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो ऐसी दशा में जो आपको बंद किया गया है वो सेक्शन 340 के अंतर्गत, आप जो, जिस व्यक्ति ने बंद किया है उसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध कारित किया है, ठीक है। देखिए वो अक्सर आपसे ये प्रॉब्लम जो अभी मैंने आपसे सोने की बात कही,
ठीक है। अब एक अभी प्रॉब्लम आई है, ए जो मकान की छत पे है, ठीक है, ए जो मकान की छत पे है, छत पे चढ़ने के बाद बी उसके नीचे से सीढ़ी को हटा लेता है, या नीचे एक कुत्ता बांध देता है, या नीचे एक चौकीदार बैठा देता है कि ए नीचे उतरेगा तो उसे गोली मार देना, किसी भी तरीके से वो छत पे पहुंचने के बाद अगर वो नीचे उतरने से, यानी देखिए साफ सी बात है, ये दिमाग में रख लीजिए कि एक निश्चित परिसीमा, एक निश्चित क्षेत्र में, चाहे वो कमरा हो, चाहे मकान की छत हो, चाहे वो बिस्तर हो, ठीक है, या एक एक मकान हो, या एक बंगला हो, ठीक है, बंगले में भी बहुत बड़ा 10 एक हेक्टेयर का बंगला हो, लेकिन आपसे ये कहा जाए कि आप इस एक हेक्टेयर के बंगले के बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है, तो जब आपकी सीमा को निश्चित कर दिया जाए, आपको ये सीमित कर दिया जाए कि ये जो सीमा हम बता रहे हैं, चाहे वो 10 सेंटीमीटर की हो, चाहे 10 किलोमीटर की हो, ठीक है, इस सीमा के बाहर अगर आप जाएंगे तो आपको किसी ना किसी तरह से क्षतिकारित कर दी जाएगी, या आपको जाने की परमिशन ही ना दिया जाए, वो सभी अवस्थाओं में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध होगा। आपको एक फार्म हाउस में बंद कर दिया जाए, ठीक है, 10 एकड़ का फार्म हाउस है, 10 एकड़ का फार्म हाउस है, और आप उस फार्म हाउस से भले 10 एकड़ एक दिन में पैदल उस सीमा को पार भी ना कर सकें, लेकिन आपको अगर उस परिक्षेत्र में बंद कर दिया गया, 10 एकड़ आप पैदल जा भी नहीं सकते, आप उस जगह से बाहर भाग भी नहीं सकते, लेकिन अगर आपको इस चीज का, इस बात की जानकारी करा दी गई कि इस सीमा से आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो सीमा से बाहर ना जा पाने का जो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, यही रिस्ट्रिक्शन अपने आप में सेक्शन 340 को कंप्लीट करता है। यही बात मैंने आपसे कही, अगर मान लीजिए आप सो रहे थे, इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सो रहे थे और मैंने आपका दरवाजा लॉक कर दिया, आधे घंटे के बाद आप उठे और कमरे से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं और आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा, ठीक है, मैंने कुत्ता बैठा दिया, ये भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा, और मालूम है हमें कि दरवाजा है, उस दरवाजे से हम बाहर जा सकते हैं, अगर ये हमारे पास है ऑप्शन, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हमें इस बात की जानकारी नहीं है, ठीक है, और हमने कोई प्रयास भी नहीं किया उस क्षेत्र से, उस जगह से बाहर निकलने का, तो ये सेक्शन 340 का ऑफेंस होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये सेक्शन अब आपको क्लियर होगा, इसके इलस्ट्रेशन जो हैं उनको जरूर देखिएगा, और इसके बाद अगर आपको कोई समस्या हो तो कल मैं आपके साथ 8 बजे रहूँगा। अगला सेक्शन जो है वो सेक्शन 349, सेक्शन 349 बल फोर्स। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, ठीक है, गति, गतिमान या गति परिवर्तन, तीन वर्ड हैं, ध्यान रखिएगा, गति यानी मूवमेंट, गति परिवर्तन यानी ट्रांसफर ऑफ स्पीड, मत क्या वर्ड बोलेंगे, गति परिवर्तन यानी उसके जो लोको मोशन है उस मोशन को चेंज कर दे, ठीक है, और तीसरा है गतिहीन यानी स्टॉप कर दे, तीन वर्ड हैं, सिर्फ ध्यान रखिएगा, गति, गति परिवर्तन, गतिहीनता, मोमेंट, ठीक है, चेंज ऑफ स्पीड और स्टॉप, तीन कंडीशन है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को या उस अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई किसी वस्तु को इस प्रकार से प्रभावित करता है जिसके कारण उस व्यक्ति की स्थिति में गति यानी मोशन, गति परिवर्तन यानी चेंजेस ऑफ मोशन और
गतिहीनता यानी पॉज कर दे, स्टॉप कर दे, इन तीन कंडीशन में ला दे, तो ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने बल का प्रयोग किया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ कहार, कहार समझते हैं ना वो जो पालकी लेके चलते हैं, कहार, वो किसी पालकी को लेके जा रहे हैं और ए ने उस पालकी को पकड़ लिया, तो यहां क्या किया, जो मोशन था उस मोशन को ब्रेक कर दिया, रोक दिया, तो ए ने क्या किया, बल का प्रयोग किया। ठीक है, अगर एक बैलगाड़ी, बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी पर वो खड़ी हुई है, रुकी हुई है, और ए उस बैलगाड़ी के बैलों को हांक देता है, हांकना मतलब उसको किसी तरह से मोशन में कर देता है, तो ये कहा जाएगा कि ए ने बल का प्रयोग किया। ठीक है, एक कुत्ता, डॉग, पपी, वो किसी और दिशा में जा रहा था, आपने उसको बिस्किट का लालच देके अपने पीछे पीछे मूव करा लिया, तो आपने क्या किया, आपने बल का प्रयोग किया। ठीक है, देखिए भैया इनको कुछ दिक्कत है, अगर कोई एडमिन ग्रुप से कोई हो तो पीके शास्त्री खुद अपनी समस्या का समाधान पहले कर लें, बाद में यहां एडवर्टीजमेंट करने आएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये बल है। ठीक है, फोर्स, अब इसी फोर्स में, इसी बल में जब कोई आपराधिक गतिविधि, आपराधिक आशय जुड़ जाता है, ठीक है, तो ऐसे आपराधिक गतिविधि या आपराधिक आशय के जुड़ने के बाद ये जो बल है ये आपराधिक बल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सेक्शन 349 खूब पूछा जाता है बल की परिभाषा किस सेक्शन में है, सेक्शन 349 यानी 350 से एक सेक्शन पहले, सेक्शन 349 और सेक्शन 350 आपराधिक बल। ठीक, आपराधिक बल मैंने पहले कहा कि आपका अगर आशय जो है, अगर कोई हो तो प्लीज इनको हटाइए, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप में एडमिन ग्रुप से अगर कोई हो तो प्लीज इस एड को हटा दीजिए। ठीक है, तो बल के साथ अगर आपका बल आपराधिक आशय के साथ प्रयोग किया गया है तो ऐसा बल आपराधिक बल कहलाएगा। कैसे, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक नाव जो है, नाव वो नदी में पानी में है और वो अपने तट पर रस्सी से बंधी हुई है, आपका आशय जो है वो रिस्ती कारित करने का है, मिस्चीफ कारित करने का है। ठीक है, आप उसकी रस्सी को काट देते हैं, तो आपने क्या किया, आपने जैसे ही उसकी रस्सी को काट दिया, अब वो नदी की धार के साथ अपने आप बह जाएगी, तो आपने क्या किया, रस्सी को काटने पे आपने उसे गति प्रदान कर दी और आपका आशय जो था वो रिस्ती कारित करने का था, तो ये जो कार्य है वो आपराधिक बल कहलाएगा। इसी तरह से अगर किसी स्त्री, कोई महिला है, ठीक है, बिना उसकी अनुमति के अगर कोई व्यक्ति उसके घूंघट को उठाने का प्रयास करता है जिससे कि उसकी वो लज्जा भंग कर सके, ठीक है, तो यहां आपराधिक आशय के साथ जैसे ही उसके घूंघट में मूवमेंट किया जाता है वैसे ही ये आपराधिक बल में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से किसी कुत्ते का, कोई कुत्ता बंधा हुआ है, उस कुत्ते को प्रोवोक करना कि हाँ एक ही तरफ इशारा करके प्रोवोक करना, ये भी आपराधिक बल के अंतर्गत आएगा। तो इसमें इस काफी सारे इलस्ट्रेशन हैं, इनके इलस्ट्रेशन को जरूर देखिएगा, उसमें से खूब सवाल आता है। ठीक है, अब जो सेक्शन 351, तीनों सेक्शन बहुत काम के हैं, किसी व्हीकल का ब्रेक फेल करने की कोशिश करना, देखिए किसी व्हीकल का ब्रेक फेल करना जो है वो आपका इंटेंशन जो है वो यहाँ काम करेगा,
अगर आप ब्रेक फेल कर रहे हैं और आपका आशय यह है कि चलाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो वाजिब सी बात है कि भाई मर्डर होगा। स्पोर्ट्स में देखिए, स्पोर्ट्स में भी ये लागू होगा, लेकिन बात वही है कि आशय क्या है। अगर स्पोर्ट्स में करने वाले व्यक्ति जो हैं, ठीक है, अगर उनका मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है और स्पोर्ट्स में कंसेंट है, क्षति को सहन करने की कंसेंट है, तो स्पोर्ट्स में भी ये लागू होगा। ठीक है, चलिए एक और सेक्शन है, सेक्शन 351। सेक्शन 351 हमला, असॉल्ट। असॉल्ट जो है वो शब्दों के साथ आपकी भाव भंगिमा, आपके इंप्रेशन जो हैं, वो जब वैसे ही हो जाएं, तो ऐसे भाव भंगिमा यानी ऐसे मोशन या ऐसे एक्शन को शब्दों के साथ मिला के जो पूरा क्रम बनता है वो असॉल्ट या हमला कहलाता है। जैसे मैं एक छड़ी उठाऊं और ये कहते हुए आपकी तरफ बढ़ूं, मैं छड़ी उठा लूं और कहते हुए बढ़ूं कि अभी मैं तुम्हारी पिटाई करता हूं, तो ये शब्द जो कहे जा रहे हैं और जो छड़ी का उठाना, ये दोनों चीजें मिलाकर असॉल्ट को क्रिएट करता है, हमला क्रिएट करता है। ठीक है, हमला जो है वो कई तरीके से हो सकता है। जैसे एक कुत्ता है, ठीक है, वो कुत्ता अपने बेल्ट से बंधा हुआ है, मैं ये कहते हुए कि अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं और उसकी बेल्ट को खोलने का प्रयास करता हूं, खोलने की कोशिश करता हूं, जैसे ही उसकी बेल्ट खोलने की कोशिश करता हूं, ये एक हमला होगा। ठीक है, इसी तरह से मुक्का तानना, आपसी लड़ाई होती है ना, उस लड़ाई के दौरान अगर मैं मुक्का तानते हुए तुम आपकी तरफ बढ़ता हूं कि अभी तुम्हें सबक सिखाता हूं, तो मुक्का उठाना जो है ये हमला कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो असॉल्ट के अंतर्गत आती हैं, हमला होता है। ठीक, अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों में से जो लोग टॉर्च पढ़े होंगे वो असॉल्ट और एक और वर्ड है बैटरी। ठीक है, असॉल्ट और बैटरी, हमला और प्रहार। हमला और प्रहार में अंतर ये होता है कि असॉल्ट जो है वो केवल शब्दों में और भाव भंगिमा में होता है, लेकिन प्रहार जो है वो जैसे ही बॉडी टच हो जाती है, यानी हमले का अगला हिस्सा जो होता है, अगला जो स्टेज होगी वो प्रहार होगा। ठीक है, तो ये दिस इज डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी। तो सेक्शन 351 हमले के बारे में बात करता है। तो ये सारा जो था एक रफली एक सिंपल सी चीजें थी, एमसीक्यू में खूब पूछा जाता है, एपीओ की परीक्षाओं में इस पे मेंस में सवाल मिलते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट मिल जाता है, तो इसलिए ये हिस्सा जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसके इलस्ट्रेशन आपसे खूब पूछे जाते हैं, तो इलस्ट्रेशन भी इनके खूब अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना रखते हैं, कल आपके साथ इसी क्रम में जो स्वतंत्रता के विरुद्ध अपराध हैं, स्वतंत्रता के विरुद्ध अपराध मतलब शरीर की स्वतंत्रता के विरुद्ध जो अपराध हैं, जिसमें अब अगला जो क्रम होगा वो आपका किडनैपिंग और अडेप्शन होगा। ठीक है, ये आपके साथ कल डिस्कस करते हैं। अगर किसी को कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है को दिमाग में, तो आप पूछ सकते हैं, 5 मिनट समय है अभी आपके पास, 5 से 10 मिनट का आप सवाल पूछ सकते हैं। दूसरी चीज ये कि मैं आप सबसे बार बार कह रहा हूं, अगर आप सचमुच में जुडिशरी के एग्जाम के लिए सीरियस हैं, ठीक है, तो यकीन जानिए, अगर अब चूंकि अक्टूबर के एंड में आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, 2022 में आपके स्टेट लेवल के चुनाव हैं, ठीक है, और मार्च में, जहां तक है मार्च और अप्रैल में आपके चुनाव होंगे, चुनाव से पहले जुडिशरी और एपीओ की वैकेंसी का मेंस हर हाल में हो जाना है, तो
अब आप खुद सोच लीजिए कि जो मेंस का रिजल्ट आपका सामने होगा चुनाव से पहले, या हो सकता है इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाए, उस दशा में आपके पास समय जो है वो बहुत ही कम बचा है। और अगर आप सीरियसली इस अपॉर्चुनिटी को कैश कराना चाहते हैं तो प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 घंटे अपने हाथों को थकाने की कोशिश करें, यानी लिखने का अभ्यास करें। अगर अब आपने देरी कर दी आंसर लिखने की प्रैक्टिस में, अगर अब आपने देरी कर दी तो ये आप विश्वास मानिए कि आप प्रतियोगिता से, कंपटीशन से बाहर हैं। ठीक है, अपने आप को झूठी तसल्ली ना दें। और अगर आप कंपटीशन में बने रहना चाहते हैं, अगर आप युद्ध में अपने कर्तव्य दिखाना चाहते हैं, तो अभी से लिखना शुरू करिए, बराबर लिखिए, और कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। और ये लिखना जो है वो अपने क्वेश्चन का आंसर आप लिखें। ठीक है, और बहुत कुछ कह चुका हूँ, अब कहने सुनने का समय नहीं रह गया है, अब युद्ध स्तर की तैयारी है। ठीक है, अब आपके सामने चीजें हैं, बस आंखों की नींद को हराम कर लीजिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो प्लीज कंटिन्यू। एनीवन? चलिए, मुझे नहीं लगता है किसी का कोई सवाल है। चलिए, कल फिर मुलाकात होती है आपके साथ शाम को 8 बजे। ठीक है, ओके, थैंक यू।